पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ईशान। हाँ जी, मैं ईशान। आप कौन? निखिल जैसे, बरखास डैड। ओह नमस्ते। अरे अरे अरे, इट्स ओके, प्लीज कम इन। पापा, ये बरखा के पापा हैं। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते जी, आपके लिए। थैंक यू। आप यहाँ, लेकिन आप तो यूएस में रहता हूँ। बस कल ही आया, बेटी की शादी थी, आप लोगों से मिलना था। आप लोगों का घर बहुत खूबसूरत है। थैंक्स। अरे आइए ना, बैठिए प्लीज। हाँ हाँ, एक सेकेंड। शैंकी चलिए। हाँ ही। आप लोग बिना खाए चले आए, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा अपने हाथों से खाना बनाऊं और आप लोगों को खिलाऊं। माफ कर दीजिएगा जो कुछ भी हुआ, तो जो अधूरी बात है उसे पूरी कर लेते हैं। आपके बेटे ईशान और मेरी बेटी बरखा की शादी की बात। ईशान बेटा, प्लेट्स ले आओ ना। अरे नहीं नहीं निखिल जी, ऐसी कोई बात नहीं, यकीन मानिए हम लोगों ने दिल में कुछ नहीं रखा है, ऐसा हो जाता है कभी कभार जी। अरे आप तो फेमस शेफ निक जे है ना, वैसे आपका इंडिया में तो कोई बिजनेस नहीं है ना? अब बिजनेस नहीं है तो हो जाएगा, मेरी फैमिली यहीं पर है, मेरी बेटी यहाँ है, शादी हो रही है उसकी, तो मैंने सोचा यहीं पे आ जाऊं। अरे अब आप आ गए तो बिजनेस के बारे में भी सोच लेंगे। आप मेरठ में कोई रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोलते? व्हाट अ ब्रिलियंट आईडिया शैंकी, टेक अ डोर ऑफ दैट। ओके बेटा, प्लेट्स देना। अब आपने कहा है तो रेस्टोरेंट खोल ही लेंगे, बेटी का ससुराल भी है यहाँ पर। यू मस्ट ट्राई दिस प्लीज। क्या लेंगे आप? ये पनीर टिक्का लीजिए, चटनी लीजिएगा प्लीज कॉम्प्लीमेंट से। और जब हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे ना, तो हमारी खास कस्टमर आप होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़े से गिफ्ट्स लाया हूं। शैंकी यार बस प्लीज, और कितना मक्खन लगाएगा लड़के के घर वालों को। शैंकी ये बैठो। शैंकी ये आपके लिए। थैंक यू मैम। ये आपके लिए। थैंक यू आपके लिए। अरे गिफ्ट को छोड़िए, पहले गले मिलते हैं। ये अचानक बरखा के पिताजी ने दर्शन कैसे दे दिए? ये आपके लिए। अरे नहीं थैंक यू, इसकी क्या जरूरत थी? अरे आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं शैंकी। अरे नहीं नहीं, इतने प्यार से आप लाए तो कैसे नहीं रखूंगी। थैंक यू सो मच। वैसे पल्लवी जी ने आपके बारे में कोई जिक्र नहीं किया और आप एकदम से हमारी इतनी खातिरदारी करने के लिए आ गए अचानक से। अरे इसमें खातिरदारी की क्या बात है, मेरी बेटी का ससुराल है, मेरा तो हक बनता है। आप लोग प्लीज ये सब मत सोचिए, एंजॉय योरसेल्फ्स प्लीज प्लीज। रुकिए भैया। Can you guys excuse me for a minute? Take urgent call. मैं ले सकता हूँ? What is really happening? Dad, have to tell me. निखिल जी, ये हमारे घर के पंडित हैं और आपसे कोई बात करना चाहते हैं। नमस्ते जी। आप लोग मुझे सिर्फ दो मिनट देंगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं? I'm really busy right now. Can I call you back, please? पंडित जी, शादी के शुभ मुहूर्त के लिए कोई अच्छी सी तारीख निकालिए। वो तो मुझे दिख ही रहा है आप कितने बिजी हो, और वो भी किस काम में? निखिल जी। हाँ आइए जरा। पापा लिसन, सुना आपने बुआ, शादी की तारीख एंड ऑल, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? क्या ये फर्क भी पड़ता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? यू नो व्हाट, वी हैव टू लीव फॉर मेरिट राइट नाउ। पता तो चले कि वो शादी किससे कर रहे हैं और ये इतना बड़ा सीक्रेट क्यों है? यू आर राइट मन्ना, जानना तो मैं भी चाहती हूँ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। व्हाट द हेल इज निक अप टू? शायद इन सबको कोई गलतफहमी हुई है, वो यहाँ नहीं आ सकता। अरे पल्लवी जी, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय, स्पेशल अदरक वाली चाय। अरे निखिल भाई आइए ना, कोई फोटो वोटो हो जाए। अरे बहन जी, आप बहुत टेंशन में लग रही है। नहीं, जो हुआ भूल जाइए उसे, शादी का घर है, चलिए ना फोटो खींचते। एक मिनट, चलिए। अरे बरखा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। अरे दोनों बच्चों पे हाथ रखिए ना। जी जी। भाभी जी आप आइए ना। Thank you.
चलिए ना, एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। आइए आइए। धोखा दिया है तुमने, तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो, सेल्फिश हो तुम। अपने बच्चों के लिए मुझे अपने आप को संभालना होगा। धोखे की आदत है तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप रहो। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, यहाँ पर किसी को पता नहीं है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बरखा का होने वाला ससुराल है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो निखिल, डिसाइड हो चुका था ना, जब मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दिया तो तुम हमारी जिंदगी में लौटकर क्यों आए हो? अरे मुझे तुम्हारी जिंदगी में आने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। बरखा चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ। बरखा चाहती थी? हाँ बरखा चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं आकर उसे उसकी खुशियां लौटाऊं। वो चाहती थी कि जो शादी तोड़ने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसका बाप आके उसे जोड़े। तुमने हमारी शादी तो तोड़ दी, लेकिन तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे बच्चों की खुशियां और उसकी शादी को बख्श दो। और हाँ पल्लवी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि बरखा घर छोड़ के चली गई? हाँ क्यों गई थी वो? तुम्हारे साथ रहना किसी के बस की बात नहीं है। तुमने मेरे साथ जो किया ना, वो तो कुछ ही सालों में खत्म हो गया, लेकिन बरखा तो 19 साल से तुम्हारे साथ है। I can understand why she doesn't want to stay with you. चुप बैठो तुम, कुछ नहीं जानते। अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी वो। और तुम्हारे साथ रहती तो उसकी जिंदगी आबाद हो जाती। चलो यहाँ से। मम्मी अभी तो सब सही हुआ है ना, शादी की बात। आप शेफ लोग खिलाना जानते हैं, खाना नहीं। चलिए आज आपको मेरिट का स्पेशल खाना खिलाते। बरखा और पल्लवी जी, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए ना। तो आप लोग मुझे अपनी लिस्ट दे दीजिए कस्टम्स की। शादी तो धूमधाम से। बहुत सिंपल फैमिली है हमारी, शादी भी सिंपल तरीके से ही करेंगे, ज्यादा फंक्शंस नहीं कर पाएंगे हम। चलो रस्में बस्में ना सही, पर ब्राह्मणों को भोग तो लगाना पड़ेगा। हमारे खानदान में आज तक कोई भी शादी भोग लगाए बिना नहीं हुई है। क्या है ना, यहाँ रिश्ता पक्का हुआ और वहाँ पे ब्राह्मणों का आशीर्वाद की बारिश शुरू। आप टेंशन मत लीजिए, हमसे जितना हो पाएगा हम उतना ही कर पाएंगे। अब कितना हो पाएगा वो तो बरखा के पापा को देखकर हमें पता चल ही गया। हाँ, तब की बात और थी, आप और आपकी अम्माज रेस्टोरेंट। पर अब बरखा के पापा की तो पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे। बेटी की शादी है, जो करना चाहते ना दिल खोल के कीजिए। आप जानती है ना, हम साथ नहीं रहते, डिवोर्स हो चुका है हमारा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।